खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष कृषि सरकार कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। प्रिय किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा का मुख्य विषय है कि प्याज की फसल में झुलसा रोग का प्रबंधन कैसे करें। यह प्याज की फसल में लगने वाला एक बहुत ही भयंकर रोग है, जिसके कारण प्याज की फसल में लगभग 85 से 90% तक का नुकसान हो सकता है। यह एक फफूंद जनक रोग है, जिसका कारण प्लियोस्पोरा एली के नाम से जाना जाता है। यह पत्तियों और बीज के डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। बाद में यही धब्बे एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बे में बदल जाते हैं और अंत में ये गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां धीरे धीरे ऊपर से सूखना शुरू करती हैं और आधार की तरफ बढ़कर पूर्णतया सूख जाती हैं, जिससे प्याज या बल्ब का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे वातावरण में जब तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस हो और वातावरण में पर्याप्त नमी हो तो रोग भयंकर रूप ले लेता है। किसान भाइयों, इस रोग के प्रबंधन हेतु पौध तैयारी के समय प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, साथ ही लंबी फसल चक्र अपनाएं। समस्या गंभीर होने की अवस्था में एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% के साथ डाइफेनाकोजोल 11.4% SC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने किसान साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और बने रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एग्रो स्टार के साथ। धन्यवाद।